हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिक नॉलेज सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विंटर वैकेशन होमवर्क जो क्लास सिक्स के लिए दिया गया है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि आपको उस होमवर्क को किस तरीके से करना है, किन चैप्टर से उस होमवर्क के क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो सबसे पहले पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, या कह सकते हैं जो पहला काम जो आपको करना है, रिवाइज योर पीरियडिक टेस्ट थर्ड सिलेबस। आपको पीटी थर्ड का जो सिलेबस कराया गया है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, रीड द रिमेनिंग सिलेबस आफ्टर पीरियडिक टेस्ट थर्ड एंड कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज। आपका जो भी हमारा सिलेबस बचा है उसको रीड करना है। रीड करने के अलावा उसमें जो बुक एक्सरसाइज दे रखी हैं उनको आपको फिल करना है, ठीक है। हिस्ट्री में हमारे दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, 9 और 10। वैसे ही ज्योग्राफी में हमारे तीन चैप्टर्स बचे हुए हैं, 17, 18, 19। और उसमें भी आपके सिविक्स में भी दो चैप्टर्स बचे हैं, गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, इन चैप्टर्स से ही रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन पहला और दूसरा आपके फील्ड के क्वेश्चन हैं, यानी आपको थोड़ा सा ज़मीन पर जाना पड़ेगा, वहाँ से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। और दूसरे पहले क्वेश्चन में तो आपको अपने गांव की विजिट करनी है, वहाँ विजिट करने पर आपको अपने गांव की जो समस्या हैं उन समस्याओं के बारे में आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ योर डीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, द नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द नेम्स ऑफ 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द नेम ऑफ देयर एमएलएस। यानी आपको अपने यहाँ के डीएम का नाम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो सांसद होते हैं सांसद का नाम, और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपकी 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनके नाम लिखने हैं, और इसके अलावा वहाँ से कौन एमएलए है ये भी आपको बताना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बलदेव विधानसभा जो क्षेत्र है उससे आपके बलदेव से क्षेत्र से पूरन प्रकाश, आपने नाम सुना होगा, आपके जो विधायक हैं एमएलए हैं वो कौन है, पूरन प्रकाश, ठीक है। वैसे ही आपको माठ, गोवर्धन, मथुरा शहर, इन चारों की आपको एक मैंने बता दिया है, इन चारों को आपको अपने आप करना है। एग्जांपल के तौर पर मैं एक बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें आपसे पूछा गया है, राइट अबाउट द मेन रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी ये चैप्टर नंबर आपका 10 हिस्ट्री से रिलेटेड है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत जो भी रूलर्स हैं उन रूलर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। समुद्रगुप्त जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, तो आपको समुद्रगुप्त का जो टर्म था कब से कब तक था, उनके बाद राजा कौन बना, ठीक है, और आपका जो गुप्ता डायनेस्टी है उसकी स्थापना किसने की, किसके द्वारा फाउंडेड है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको उसमें लिखना है। दो रूलर्स के बारे में दे रखा हो तो दो रूलर्स के बारे में, तीन रूलर्स के बारे में दे रखा हो तो उसमें आपको 3 रूलर्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट मीन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 17 जो कि आपका है इंडिया आवर मदरलैंड में, उसमें आपको भारत के भौतिक जो भाग हैं, जो भौतिक डिवीज़न भारत का हुआ है, पार्टीशन जो हुआ है उसके आधार पर आपको फिजिकल डिविजन्स बतानी है। वो ये चैप्टर नंबर आपके 17 में मिल जाएगा, इंडिया आवर मदरलैंड। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज एक्स अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ साउथ इंडिया। यानी आपका जो साउथ इंडिया है, जो आपका मैप लगभग कुछ ऐसा सा पड़ता है, तो ये जो साउथ इंडिया है इसकी शेप कैसी है, लगभग इसकी शेप कैसी है, ये जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 17 जो आपका ज्योग्राफी का है, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। पढ़ेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, और ये आंसर्स जो आप छांटेंगे या फाइंड आउट करेंगे यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आपके एनुअल एग्जाम हो गए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट पूछा है, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। साउथर्न मोस्ट का मतलब है कि आपका साउथ में जो भी लास्ट पॉइंट है आपका इंडिया का वो कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु। साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु वो कौन सा है, आपको इस बात का आंसर देना है, ठीक है। ये भी आपका ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 17 से ही है। नेक्स्ट पूछा गया है,
वेयर इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल इन इंडिया? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? इनके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, राइट द नेम। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और उनके आपको नाम लिखने हैं। ये आपको ज्योग्राफी के जो नेक्स्ट चैप्टर दे रखे हैं, आपके ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका नेचुरल वेगेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इसमें आपको चैप्टर नंबर 19 में ये सब मिल जाएगा आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। नंबर 9 है, राइट द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उसकी इनकम के सोर्स क्या क्या होते हैं, ये मिलेगा आपको अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 25 में। यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है शहरों में, उसके आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका एक्टिविटी वर्क है जिसमें आपको ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया ऑन चार्ट पेपर एंड शो द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स पेस्ट इट ऑन द थर्मोकोल सीट। पहले आपको चार्ट पेपर पर इंडिया का मैप आपको बना लेना है। इंडिया का मैप बनाने के बाद आपको फिर क्या करना है, इंडिया का मैप बनाने के बाद आपको उसे उसमें सभी इंडियन स्टेट्स भरने हैं। इंडियन स्टेट्स भरने के बाद आपको उनकी कैपिटल्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जैसे लखनऊ है, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, ये सभी स्टेट्स भरने हैं और उनकी कैपिटल्स आपको भरनी है। अब जब आप उसको चार्ट पेपर पर बना लेंगे और ये सारी चीज़ें कर लेंगे, फिर लास्ट में आपको उसको थर्माकोल की सीट पर आपको उसे पेस्ट कर लेना है, जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है, थर्माकोल सीट पर उसको पेस्ट कर लेना है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है इस होमवर्क को करने में, तो मैंने आपके होमवर्क के नीचे ही अपना नंबर छोड़ दिया है, जहाँ से आप इसको, मुझे कोई भी दिक्कत आने पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं आपको मैसेज के द्वारा समझा दूंगा, और कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है, ध्यान से इसको कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।